आरबीट्रॉन कैप्सूल जो कि बनाया जाता है मेडली फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा बनाया जाता है। 15 गोली का ये पूरा कैप्सूल्स का स्ट्रिप रहता है जिसका MRP 84.50 रुपीज़ रहता है। इसके अंदर कैल्शियम पेंटोनेट, आयरन, फॉलिक एसिड, मिथाइल क्लोबामाइन एंड जिंक वगैरह डाला गया है। तो इस वीडियो में मैं इसका यूजर्स, बेनिफिट्स, साइड इफेक्ट, डोसेस और कब तक लेने का, इसको लेने से क्या बेनिफिट है या क्या साइड इफेक्ट है, तो वो सब बातें इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा ताकि आरबीट्रॉन कैप्सूल्स के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। तो आरबीट्रॉन कैप्सूल जो कि बनाने वाली कंपनी का नाम है मेडली फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। 84.5 रुपीज़ का ये पूरा स्ट्रिप रहता है जिसका MRP 10 गोली का ये 84.5 रुपीज़ रहता है। और ये आरबीट्रॉन कैप्सूल जिसके अंदर कंटेंट की बात करें तो कैल्शियम पेंटोनेट इसके अंदर डाला गया है एज ए एक्टिव इंग्रेडिएंट, और आयरन, फॉलिक एसिड, मिथाइल क्लोबामाइन एंड जिंक डाला गया है जो कि एनीमिया को ट्रीटमेंट करता है। आरबीट्रॉन कैप्सूल जो कि ये बनाई गई है एक यूनिक MUPT टेक्नोलॉजी के द्वारा, जिससे क्या होता है कि ये प्रोवाइड करती है बेटर ऑब्जॉर्प्शन करती है आपकी बॉडी के अंदर और हाई सीरम लेवल को कम कर ज़्यादा करती है और रिक्स कर देती है जो गैस्ट्रिक इरिटेशन होता है आयरन का वगैरह, तो उसमें मतलब गैस वगैरह होता तो वो कम हो जाता है। आयरन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इसके अंदर पूरा है जो कि रेड ब्लड सेल्स को बनाने में और मेंटेन करने में हेल्प करती है और एनर्जिक रखती है और प्रिवेंट करती है एनीमिया का। और फॉलिक एसिड इसके अंदर डाला गया जो कि एक एसेंशियल न्यूरिकल बॉडी फंक्शंस को मैनेज करके रखता है, जिससे क्या होता है कि ये बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स हेल्दी रहते हैं और एनीमिया वगैरह का प्रॉब्लम नहीं रहता है। मिथाइल क्लोबामाइन इसके अंदर डाला गया जो कि क्या करता है कि आपके ब्लड सेल्स को इम्प्रूव करता है और आपकी मेमोरी को इम्प्रूव करता है। और जिंक इसके अंदर डाला गया है जो कि आपको फेटल ग्रोथ में हेल्प करता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। और जिंक और कैल्शियम इसके अंदर डाला गया है जो कि क्या करता है कि जो रिक्वायर्ड रहती है प्रेगनेंसी के टाइम पे ब्रेस्ट फिलिंग का, तो वो फुल करता है। तो आरबीट्रॉन कैप्सूल्स को रिकमेंडेड किया जाता है आयरन की डेफिशिएंसी के लिए। जब एनीमिया वगैरह होता है तब आयरन डेफिशिएंसी होती है, तो क्या होता है कि क्रोनिक ब्लड लॉस होता है और इनटेक आयरन कम हो जाता है, तो उसमें यूज़ की जाती है। आयरन की डेफिशिएंसी होने से एनीमिया होता है और न्यूट्रिशन एनीमिया होने से क्या होता है कि प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उसमें यूज़ की जाती है। तो आरबीट्रॉन कैप्सूल्स को लिया जाता है, ओरली लिया जाता है और खाना खाने के बाद लिया जाता है, पानी और दूध के साथ लिया जाता है। तो इस टैबलेट के बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट रही तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आई डी है वहाँ पे पूछ सकते हो। चैनल पे और वीडियो पे पहली बार आप विजिट किए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाएं ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।